हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24x7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और माय डियर स्टूडेंट, आप लोग बहुत ही अच्छे हो। और आज का गाइस हम लोग यहाँ पे ना केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बल्कि करंट अफेयर्स पे भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आपका प्रीवियस ईयर का लास्ट सेशन है, मांगे चलिएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से अब आपको सब्जेक्टिव टॉपिक कल मंडे से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अब तक हमारा मेन टारगेट था आपको ये बताना कि गाइस अब तक क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तो अब माय डियर स्टूडेंट, अब आगे से जो भी क्लास होगी, अब आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल गाइस, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाइएगा और हर एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कह रहा, फ्रॉम वेयर इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन ऑब्टेन? कह रहा, गंगा घाटी, यमुना घाटी, बेलन घाटी, हिमालय की घाटी, बताएं क्या होते। दोस्तों जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपको बताएं। माय डियर स्टूडेंट, चावल की खेती पूछा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कृषि का साक्ष्य पूछे कि कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, यानी एविडेंस ऑफ, अगर आपसे पूछे एविडेंस ऑफ, गाइस एविडेंस ऑफ याद रखिएगा, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो क्या जवाब दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से मिला है तो क्या जवाब दीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्या उत्तर आप बताएं। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर बेलन घाटी, याद रखिएगा, बिल्कुल सर, बेलन घाटी। और बेलन घाटी कहाँ पर? तो मिर्जापुर, याद रखिएगा, मिर्जापुर में बेलन घाटी है। और मिर्जापुर कहाँ है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो याद रखिए दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेहरगढ़ से मिला, याद रखिएगा, मेहरगढ़ से, यानी मेहरगढ़ से, याद रखिएगा, मेहरगढ़, याद रखिएगा दोस्तों, मेहरगढ़ से आपको कृषि का साक्ष्य मिला, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दो क्वेश्चन यहाँ पे याद करके जाना है, चावल की खेती बेलन घाटी और कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पे राइट नाउ? तो ये बलूचिस्तान में, याद रखिएगा, राइट नाउ ये बलूचिस्तान में है दोस्तों, याद रखिएगा। और बलूचिस्तान कहाँ पे है? तो माय डियर स्टूडेंट, ये पाकिस्तान में, याद रखिएगा, पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये रहा दोस्तों आपका मेहरगढ़, याद रखिएगा, इट्स अ मेहरगढ़। इसी मेहरगढ़ से आपको कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है, यानी कृषि का जो प्रथम साक्ष्य मिला है इसी मेहरगढ़ से मिला है। चित्र को देखने से आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही होगी, ठीक है। और शासन दोस्तों यहाँ पे ये रहा दोस्तों आपका ऐसे, ये रहा दोस्तों बेलन घाटी, ये रहा दोस्तों आपका बेलन घाटी। और इसी बेलन घाटी से, याद रखिएगा, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले, याद रखिएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, चूंकि आपकी जॉब फूड से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा दोस्तों, जवाब दीजिए, कह रहा है दिल्ली के पहले सुल्तान का नाम बताइए जिसने दक्षिण भारत के विजय का प्रयास किया था। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अटेम्प्ट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया वॉस, चार ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपको बताएं। माय डियर स्टूडेंट, साथ साथ ये भी जवाब दीजिए कि लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है। लाख बक्स अगर पूछे कि लाख बक्स किसे कहा जाता है, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या उत्तर है आपका। साथ साथ में दोस्तों ये भी जवाब दीजिए कि इतिहास में किसे कुरान खां कहते हैं, कुरान खां किसे कहा जाता है, ये भी जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। शासन दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिकंदर ए सानी, याद रखिएगा, सिकंदर ए सानी का टाइटल किसने लिया था, ये भी जवाब दीजिए, ये उपाधि किसने ली थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको तीन क्वेश्चन पूछा है एक साथ, तो प्यारे बच्चों जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपका। इसका आंसर बिल्कुल सही, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत के विजय का प्रयास किया था। लाख बख्श और कुरान खां की बात करें तो ऐबक को कहा जाता है, याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और सिकंदर इस्सानी की उपाधि इसे अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गाय सिकंदर इस्सानी की उपाधि धारण की गई थी। इसका मतलब होता है विश्व विजेता, विश्व विजेता, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चन है, कह रहा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? फ्रॉम विच साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अग्नि वेदिका हैव बीन ऑब्टेन्ड? जवाब दें, प्रयास करिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपको बताएं।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, क्या उत्तर है आपको बताएं? विकास शाह, हेमंत भाई, जवाब दीजिएगा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं, जवाब दें। मोहन जोदरो, लोथल, कालीबंगा और साथ साथ में लोथल। भाई लोथल दो बार हो चुका है, गलती हो गई इसमें, इसमें लोथल दो बार है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सही, तो लोथल ही आंसर है, लोथल से भी, लोथल आंसर, अग्निवेदिका, अग्निवेदिका बिल्कुल से लोथल से मिला, याद रखिएगा। अग्निवेदिका के साक्ष्य कहाँ से, तो लोथल से मिला है, याद रखिएगा। तो गाइस इसका बी और सी, बी और सी दोनों जवाब है, क्योंकि चूंकि ऑप्शन में दोनों हैं, इस कारण से आंसर आपका बी और डी दोनों आंसर होगा। बी और डी आंसर दोनों का, याद रखिएगा, बी और डी इसमें आंसर दोनों का, क्योंकि इसमें दोनों में डी लिखा हुआ है, इसका आंसर दोनों आंसर होगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ में मांडा, नॉर्थ में मांडा तक था, याद रखिएगा। साउथ की बात करें तो साउथ में दोस्तों ये दैमाबाद तक फैला हुआ था, दैमाबाद, याद रखिएगा, दैमाबाद तक फैला हुआ था क्या, साउथ में। ईस्ट की बात करें दोस्तों, अगर ईस्ट की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट, ईस्ट में ये बेसिकली देखा जाए तो याद रखिए, ईस्ट में जो ये फैला हुआ था, ये आलमगीर तक फैला हुआ था, आलमगीरपुर, याद रखिएगा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर तक ईस्ट में फैला था। और वेस्ट की बात करें, देखिए ये रहा सुतकांगेंडोर, ये रहा सुतकांगेंडोर दोस्तों, याद रखिएगा, सुतकांगेंडोर, सुतकांगेंडोर तक फैला हुआ था। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका कुल अगर एरिया की बात करें तो इसका कुल एरिया कितना था, तो देखिए दोस्तों ये रहा ट्रायंगुलर शेप, और 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। और ये ब्रॉन्ज एज, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज एज, याद रखिए, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, याद रखिएगा, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी सभ्यता थी, तो याद रखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, याद रखिएगा। साथ साथ में दोस्तों याद रखिएगा, इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका शेप कैसा था, तो ट्रायंगुलर शेप में ये पूरी की पूरी सभ्यता फैली हुई थी, याद रखिएगा। इस कारण से दोस्तों इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। साथ साथ में दोस्तों अगर देखिए, अग्निवेदिका के साक्ष्य कहाँ से, तो लोथल से मिला है। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपसे क्वेश्चन, सात हवन कुंड कहाँ से मिला है, हवन कुंड पूछे, सात हवन कुंड कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा सात हवन कुंड कालीबंगा से मिला, याद रखिएगा। सात हवन कुंड काली कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला, याद रखिएगा। अगर अग्निवेदिका पूछे तो माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर लोथल होगा, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा दोस्तों, कह रहा वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज ड्यू टू द वायरस, जवाब दें। प्रयास करिए दोस्तों, क्या आपका वायरस के कारण कौन सी डिजीज होती है, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या उत्तर है आपका मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या उत्तर है आपको बताएं। ज्योति कुमारी, नेहा झा, सुब्रत चक्रवर्ती और सांसद में हेमंत भाई, बेटा जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका। वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इबोला, एड्स और सॉर्स, जवाब दीजिए दोस्तों क्या आपका। अटैम्प लीजिएगा इस, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तेजी के साथ क्या जवाब दीजिए दोस्तों। और माय डियर स्टूडेंट, अगर आप में कोई भी ऐसा बच्चा जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने शेयर नहीं किया दोस्तों तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल सही दोस्तों, इसका आंसर उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। तो पूर्णिमा गुप्ता का डी, जावेद खान का डी, विवेक का हाय, हाय बेटा कैसे हो आप बेटा, विवेक राज जी कैसे हैं बताएं। और विकास शौक, बिल्कुल बेटा बहुत सही, बेटा बहुत सही। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है किस गुप्त राजा को लिच्छवी दुहित्रा कहा जाता था, बता दीजिए क्या उत्तर है आपका तेजी के साथ। विच गुप्ता किंग वॉज कॉल्ड लिच्छवी दुहित्रा, जवाब दें। प्रयास करिए दोस्तों क्या आपका। आलोक यादव, सुमित कुमार, विवेक राज, हर एक बच्चा जवाब दीजिए, कह रहा किस गुप्त राजा को एज ए लिच्छवी दुहित्रा कहा जाता था। श्री गुप्ता, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता सेकेंड और साथ साथ में दोस्तों कह रहा है समुद्रगुप्त, बताएं क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल दोस्तों, श्रीगुप्त की बात करें, श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है, गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, संस्थापक कहा जाता है किसका, गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्ता फर्स्ट की बात करें तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी किसने, इसे चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने, याद रखिएगा। चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें तो चंद्रगुप्ता सेकंड ने विक्रमादित्य, याद रखिएगा, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता, याद रखिएगा। और इसी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन। ये आपसे
यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चारों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्ता टिक कर देना। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महाराजा धीराज टिक कर देना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्ता सेकंड टिक कर देना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखे दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और लिच्छवी दोहित्रा की उपाधि किसने दान की थी, तो माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा दोस्तों, यहां पे आपको मैचिंग करनी है, तो भाई मैचिंग कर दीजिए तेजी के साथ, मैचिंग कर दीजिए गाइस तेजी के साथ, गाइस मैचिंग कर दीजिए। यहां पे देखिए माउंटेन रेंज है और यहां पे कॉन्टिनेंट है, एंडीज रॉकी एटलस और ग्रेट डिवाइडिंग, बताएं क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताएं दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों जवाब दीजिए। और देखिए हेमंत भाई और बबीता श्रीवास्तव, नेहा झा और दीपिका श्रवण, बताएं क्या होता दोस्तों, हेमंत भाई जवाब दें, यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। देखिए अगर एंडीज की बात करें तो बिल्कुल सही, एंडीज साउथ अमेरिका में है याद रखिएगा। रॉकी की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में याद रखिएगा। एटलस की बात करें तो साउथ अफ्रीका में याद रखिएगा। ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया में है याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चारों की मैचिंग लग गई। एंडीज की बात करें तो दक्षिण अमेरिका टिक कर दीजिएगा। रॉकी की बात करें तो उत्तर अमेरिका मैचिंग करना है। एटलस की बात करें दक्षिण अफ्रीका में है। ग्रेट डिवाइडिंग कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर पहले का तीसरा और बी का दूसरा और सी का पहला, सी का पहला, तो बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट छठे का बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं, माय डियर स्टूडेंट ये जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एंडीज माउंटेन रेंज याद रखिएगा। ये मैंने एंडीज इसलिए यहाँ पे चित्र दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट ये जो एंडीज देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एंडीज माउंटेन रेंज है और ये दक्षिण अमेरिका में है। ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है दोस्तों, एंडीज माउंटेन रेंज, इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसकी सबसे बड़ी खासियत दोस्तों कि गाइस इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर, तो दोस्तों ये साउथ अमेरिका में है याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में ये है। तो इसको याद करके जाना है ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब दे सकें। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके लिए, कह रहा है हाँ ट्रेंड वीडियो बिल्कुल ही असिस्टेंट के लिए बेटा, बिल्कुल असिस्टेंट के लिए। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी कौन था, या कह रहा है मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था। विच ऑफिसर यूज टू रिकवर द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, जवाब दीजिए क्या उत्तर दोस्तों, जवाब दीजिए क्या उत्तर आपका, कह रहा सन्निधाता, प्रदेष्टा, समहर्ता और सेनाध्यक्ष, बताएं क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग प्यारे दोस्तों। कह रहा है विच ऑफिसर यूज टू रिकवर द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, सन्निधाता, प्रदेष्टा, समाहर्ता और कमांडर, जवाब दें क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। और माय डियर स्टूडेंट अगर आप में कोई भी ऐसा बच्चा जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और माय डियर स्टूडेंट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, समाहर्ता इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, समाहर्ता, बिल्कुल सही, यानी समाहर्ता जो अधिकारी था ये राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी था, बिल्कुल सही। तो सातवें का सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। तो माय डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है दोस्तों, आज की क्लास जबरदस्त है, आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं समझ लीजिए जबरदस्त क्लास है। अगर इस क्लास को करने के बाद आप मैक्सिमम गाइस याद रखिए, यहाँ पर गाइस याद रखिएगा आपके लिए जबरदस्त तरीके से सेशन चल रहा है और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, पूछे जा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके लिए, कह रहा है उस वायरस का नाम बताइए जो संक्रमित जानवरों, पक्षी और इंसानों के काटने से फैलता है, कह रहा नेम द वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बीटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट टू ए ह्यूमन, जवाब दीजिएगा इसका उत्तर आपका, अटेम्प्ट प्लीज दोस्तों क्या आपका बताएं फटाफट का जवाब दे दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, कह रहा रेबीज वायरस, इबोला वायरस, फ्लेवी वायरस, जवाब दीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन गाइस, जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए बताएं। अब विवेक राज, पिंकू साहू, विकास साह, बेटा सब लोग प्रयास करें, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये रहा, लिखित में से अष्ट महास्थान कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों, नहीं पूछा है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट प्लेस, कह रहा है लुम्बिनी, राजगृह, कुशीनगर, तक्षशिला। लुम्बिनी की बात करें तो यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, याद रखिएगा बुद्ध का
जन्म हुआ था, याद रखिएगा बुध का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो बुध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। राजगृह की बात करें तो प्रथम बौद्ध सभा, याद रखिएगा प्रथम बौद्ध सभा, अगर प्रथम बौद्ध सभा की बात करें तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, राजगृह में। और कुशीनगर में बात करें तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल सही, ये कुशीनगर में हुई थी और इसका आंसर तक्षशिला है। और तक्षशिला की बात करें तो याद रखिए गांधार की राजधानी, याद रखिएगा गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। और तक्षशिला जो था ये गाइस तक्षशिला देखा जाए तो इस 16 महाजनपद में शामिल था, महाजनपद में शामिल था दोस्तों, याद रखिएगा महाजनपद में शामिल था कौन, गांधार। सर CFSO और के लिए GS, बिल्कुल विजय सोनी है उसके लिए भी है और CFSO के लिए भी है बेटा, बिल्कुल बेटा पूरा FSSAI के लिए सेशन GS का चल रहा है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी पोस्ट के लिए नहीं है बल्कि पूरा FSSAI के लिए चल रहा है बेटा, पूरा FSSAI के लिए चल रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा कनिगित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा है, एक तरफ मरुस्थल है और दूसरी तरफ देश का नाम है, तो मेरे प्यारे बच्चों जवाब दीजिए क्या, तो आपका गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, पैटागोनिया और सासत कह रहा है कालाहारी, ये कालाहारी है दोस्तों याद रखिएगा, इट्स अ कालाहारी, कालाहारी, ये कालाहारी है दोस्तों याद रखिएगा कालाहारी। बताएं गिब्सन चिली में है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, पैटागोनिया अर्जेंटीना में है और कालाहारी, कालाहारी बोत्सवाना में है। जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका मेरे प्यारे बच्चों, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है, गिब्सन डेजर्ट चिली में है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, पैटागोनिया अर्जेंटीना, कालाहारी बोत्सवाना, बताएं क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जवाब दीजिए, प्रयास करिए दोस्तों क्या था आपका, दसवें का कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए क्या आंसर है आपका, बताएं मेरे प्यारे बच्चों जवाब दीजिए दोस्तों। बेटा एक एक बच्चा प्रयास करे, एक एक बच्चा प्रयास करे, एक एक बच्चा कोशिश करे क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताएं। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही गिब्सन, बिल्कुल दोस्तों गिब्सन बिल्कुल सही, गिब्सन इज द राइट आंसर बिल्कुल सही। और गिब्सन डेजर्ट कहाँ पे है, तो माय डियर स्टूडेंट गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा कहाँ पे दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में है याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आगे बढ़ते दोस्तों, गिब्सन डेजर्ट कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। ये रहा दोस्तों देखिए ऑस्ट्रेलिया का मैप दोस्तों, ये रहा आपका देखिए सैंडी डेजर्ट, ये रहा सैंडी डेजर्ट, माय डियर स्टूडेंट ये रहा आपका गिब्सन डेजर्ट, माय डियर स्टूडेंट ये रहा आपका विक्टोरिया डेजर्ट, माय डियर स्टूडेंट ये रहा आपका तनामी डेजर्ट, माय डियर स्टूडेंट ये रहा आपका सिम्पसन डेजर्ट, ये सारे के सारे डेजर्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये पांच डेजर्ट अगर आप पढ़कर चले गए तो आपके एग्जाम में यहां से अगर क्वेश्चन पूछता है तो गाइस आप यहां से क्वेश्चन पकड़ सकते हैं, याद रखिएगा आपके FSSAI के पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस डेजर्ट से क्वेश्चन पूछेगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया टिक कर दीजिएगा, विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर है, तो माय डियर स्टूडेंट आप ऑस्ट्रेलिया टिक कर दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सिम्पसन डेजर्ट कहां पर है तो ऑस्ट्रेलिया टिक कर दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला कह रहा है तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर जवाब दीजिए दोस्तों, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, बेटा काउंसिल है बेटा याद रखिएगा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पूछ रहा है, बताएं क्या उत्तर दोस्तों, अशोक, कालाशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम की बात करें तो प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में हुई थी, याद रखिएगा राजगृह में प्रथम बौद्ध सभा अजातशत्रु के समय में हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी, याद रखिएगा। दूसरा अगर बात करें, दूसरे की बात करें तो दूसरा वैशाली में हुई थी, याद रखिएगा वैशाली में हुई थी, और ये दूसरे वैशाली में कालाशोक के टाइम पीरियड में हुआ था, याद रखिएगा कालाशोक के टाइम पीरियड में हुआ था, याद रखिएगा। तीसरा अगर बात करें, तीसरा जो हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था, और इस समय शासक कौन थे, तो अशोक थे दोस्तों, याद रखिएगा। और चौथा अगर पूछा जाए, चौथा कहाँ पे हुआ था, तो चौथा कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। और इस समय शासक कौन थे, तो कनिष्क थे दोस्तों, याद रखिए कनिष्क थे। तो यहाँ पे तीसरी बौद्ध सभा पूछा है, तो बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर क्या होगा, अशोक का, बिल्कुल सही दोस्तों, अशोक इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही अशोक इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। रूबी शर्मा, नेहा झा, बबीता श्रीवास्तव, बेटा नेहा झा, बबीता श्रीवास्तव और फ्री माइंड 77। बेटा अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो बेटा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम क्या नाम था, गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम पूछा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धास ओनली सन, बताएं क्या तो आपका, राहुल, रोहित, चन्ना, इनमें से कोई नहीं, बताएं क्या रहा, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था, राहुल, रोहित, चन्ना और इनमें से कोई नहीं, बताएं
क्या उत्तर होना चाहिए दोस्तों बताइए। गौतम बुद्ध के पुत्र की बात करें, बिल्कुल सही राहुल नाम था, बिल्कुल सही राहुल नाम था, याद रखिएगा। चन्ना की बात करें तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम याद रखिएगा, सारथी का नाम याद रखिएगा, सारथी का नाम, जो सारथी नाम था क्या चन्ना नाम था। और इनके घोड़े के नाम भी पूछ सकता है आपसे, घोड़ा का नाम क्या था तो कंथक था, याद रखिएगा, घोड़े का नाम कंथक, सारथी का नाम चन्ना और पुत्र का नाम राहुल था, याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता दोस्तों। 13वें का आंसर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस फिर से करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन गाइस ये था दोस्तों आपके लिए, कह रहा है आपको यहां पे स्टेटमेंट पे कंसीडर करना है फिर जवाब देना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, क्या निखित कथनों पर विचार करें। कह रहा भारत में गिर पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य में स्थित है। गिर पर्वत श्रृंखला एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। गिर पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट के उत्तर में स्थित है, ठीक है। कह रहा है गिर माउंटेन रेंज इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। द गिर माउंटेन रेंज इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉइन। गिर माउंटेन रेंज इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द वेस्टर्न घाट। द करेक्ट आंसर इज ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बोथ एक वन एंड टू, वन टू थ्री। जवाब दीजिए, प्रयास करिए, कोशिश करिए, अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों। क्या उत्तर बताएं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गिर पर्वत श्रृंखला गुजरात में है। एशियाई पर्वत श्रृंखला जो है गिर जो है एशियाई पर्वत श्रृंखला के प्रसिद्ध है। गिर पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट के उत्तर में स्थित है। बताएं, तीन ऑप्शन आपके पास हैं, जवाब आपको देना है दोस्तों। बताएं, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही, एक दो तीन बिल्कुल सही, एक दो तीन, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। आप बबीता श्रीवास्तव जी बिल्कुल बफरिंग नहीं आ रही बेटा, बिल्कुल सही है बेटा, बफरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल यहां पे क्लास आपका सही ठीक और सही ढंग से चल रहा है। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा दोस्तों, देखिए ये रहा आपका ये जो गिर पर्वत श्रृंखला, देखिए दोस्तों ये रहा आपका गिर, ये जो गिर दिखाई दे रहा है इट्स अ गिर, ये रहा पूरा का पूरा क्या है गिर है, ये रहा दोस्तों ये रहा आपका गिर, ठीक है, ये रहा गिर, ठीक है। साथ साथ में ये रहा देखो ये शेर है, इसी के लिए फेमस है, याद रखिएगा गिर शेर के लिए फेमस है। और देखिए ये रहा आपका वेस्टर्न घाट, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ये रहा वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट के उत्तर में आपका गिर पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और एशियाटिक लॉन के लिए फेमस है, और कहाँ पे दोस्तों तो गुजरात में, याद रखिएगा गुजरात में, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए गाइस तो आगे बढ़ते दोस्तों, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा दोस्तों आपके लिए, कह रहा नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है, कह रहा है ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। जवाब दीजिए दोस्तों, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है, चोल चेर पांडे और राष्ट्रकूट। बेटा यहां से भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस है और ये कई बार कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं तो यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए मैं जो वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमेशा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, अगर इनको आप याद करें तो आपकी एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। अब तक हम आपको यही दिखा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही चोल है, याद रखिएगा। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं चोल वंश का संस्थापक कौन था, चोल वंश का संस्थापक कौन था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो माय डियर स्टूडेंट विद्यालय, याद रखिएगा विद्यालय जो थे चोल वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा। यहां से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा दोस्तों आपके लिए, कह रहा है अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था। अमोघ वर्ष किस वंश संबंधित था, अमोघ वर्ष वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। जवाब दीजिए क्या था आपका, अटैम्प सबको लेना है दोस्तों, जितने बच्चे यहां पे क्लास ले रहे हो बेटा सब लोग अटैम्प लेना है, याद रखिएगा जितने बच्चे क्लास ले रहे हो सबको अटैम्प लेना है, सबको कोशिश करना है, सब लोगों को जवाब देना है। बताएं हेमंत भाई नेहा जहां बबीता श्रीवास्तव रूबी शर्मा राघव राजपूत बेटा सब लोग बेटा प्रयास करिए, क्या उत्तर है आपका, बिल्कुल सर दोस्तों राष्ट्रकूट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही राष्ट्रकूट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। यानी अमोघ वर्ष की बात करें तो अमोघ वंश किस वंश संबंधित था, यह राष्ट्रकूट वंश संबंधित थे। और राष्ट्रकूट वंश की बात करें इसके संस्थापक कौन थे, तो इसका संस्थापक पूछे दंती दुर्ग, याद रखिएगा दंती दुर्ग को, दंती दुर्ग याद रखिएगा, दंती दुर्ग याद रखिए, दंती दुर्ग को एज ए दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा दोस्तों आपके लिए,
अगर देखिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने एग्जाम के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बिल्कुल तैयार करके चलिएगा, बिल्कुल तैयार करके चलिएगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ देखिए एक तरफ क्या रहा, सुमेलित नहीं है, यानी कि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है आपसे, ठीक है। एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दूसरी तरफ स्टेट है, सलीम अली जम्मू कश्मीर। साथ साथ कह रहा है आपसे साइलेंट वैली, यहाँ पे साइलेंट वैली कर लीजिएगा, यहाँ साइलेंट क्विट नहीं, यहाँ पे साइलेंट वैली कर लीजिएगा, साइलेंट वैली याद कर लीजिएगा, साइलेंट वैली याद रखिएगा, साइलेंट वैली केरल, अबोहर हरियाणा, और केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ याद रखिएगा, केबुल लामजाओ इसको के से कर लीजिएगा, केबुल लामजाओ मणिपुर बनाए। कह रहा है सलीम अली जम्मू कश्मीर, शांत घाटी केरल, अबोहर हरियाणा, केबुल लामजाओ मणिपुर। बेटा आपको यहाँ से जवाब देना है, आप जब भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो माय डियर स्टूडेंट वहाँ लिख लीजिए सिलेबस में कि अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को तैयार करके जाते हैं तो आप यहाँ से क्वेश्चंस पकड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या, बिल्कुल सही, अबोहर हरियाणा, बिल्कुल सही। अबोहर की बात करें दोस्तों तो ये अबोहर जो है पंजाब में याद रखिएगा, कहाँ पर दोस्तों पंजाब याद रखिएगा, कहाँ पर दोस्तों ये पंजाब में याद रखिएगा, पंजाब में है, ठीक है। अगर हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर याद रखिएगा, सुल्तानपुर कहाँ पर है तो हरियाणा में, ये बहुत बार पूछा हुआ है सुल्तानपुर, तो आपसे सुल्तानपुर यहां से पूछा जा सकता है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थे, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ ब्रिटेन वॉज ए कॉन्टेम्परेरी ऑफ, जवाब दे, प्रयास करिए दोस्तों क्या उत्तर आपका। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसकी समकालीन थे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, प्रयास सब लोग करिए, जवाब सब लोग दीजिए दोस्तों। सर ईबुक में सिर्फ जीआई ओपन हो रहा है, नहीं बेटा सारे ओपन होंगे बेटा, सुब्रत चक्रवर्ती सब कुछ ओपन होगा बेटा, आप ठीक से देखिए वहां पर। और नेहा झा का ए, हेमंत का आंसर 17 का ए, फ्री माइंड का आंसर ए आ रहा है, भूवि का आंसर ए आ रहा है, और देव ज्योति दास का तुक्का मत मारो, ठीक है भाई तुक्का मत मारिए भाई सब लोग, ये देव ज्योति का तुक्का मत मारिए, और जवाब जो सटीक आ रहा वही जवाब दीजिए। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसकी समकालीन थी, बताएं, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल से इसका आंसर की बात करें तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसकी समकालीन थे, तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही अकबर की समकालीन थे, बिल्कुल सही अकबर की समकालीन थे, बिल्कुल सही जवाब है। नहीं बेटा यहाँ पे देखिए एलिजाबेथ प्रथम याद रखिएगा, इसी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, बिल्कुल सही 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को चार्टर दिया था, याद रखिए चार्टर दिया था यानी कि अधिकार पत्र दिया था, अधिकार पत्र किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्लियर, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया था कि आप भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, पूरब के साथ व्यापार कर सकते हैं। और 1605 में याद रखिएगा अकबर की मृत्यु हुई थी, अकबर की मृत्यु हुई थी याद रखिएगा, तो किसकी समकालीन थी ये, तो बिल्कुल सही अकबर की समकालीन थी, इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है तो जहांगीर टिक कर दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्थापत्य, पूछे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है तो शाहजहां टिक कर दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जिंदा पीर किसे कहते हैं तो औरंगजेब टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके लिए, कह रहा है दोस्तों डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन विच वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस वायरस में पाए जाते हैं, पॉक्स वायरस, पॉक्सी वायरस, साथ साथ में कह रहा पोलियो माइलाइटिस वायरस, और साथ साथ में इन्फ्लुएंजा वायरस, और साथ साथ दोस्तों और कह रहा आपसे उपरोक्त में से कोई नहीं बनाए, क्या होता है दोस्तों जवाब दीजिए दोस्तों, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सब लोग बच्चे जवाब दीजिए बेटा, जितने बच्चे क्लास ले रहे हो बेटा सब लोग जवाब दीजिए, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस किसे पाए जाते हैं, राघव मीना का प्रणिपात गुरुजी, प्रणिपात जी बिल्कुल जी, सर यूट्यूब का कमेंट नहीं देख रहे हैं, मोहम्मद आसफ बिल्कुल देख रहे हैं, प्रोफेसर भाई बिल्कुल देख रहे हैं, विजय सोनी जी बिल्कुल देख रहे हैं, साइलेंट आइस आपके भी कमेंट देख रहे हैं, पूर्णिमा गुप्ता जी आपके भी कमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है तो जवाब दीजिए क्या होता है आपका, रूही का बेटा जवाब दीजिए, कुणाल ठाकुर सर अब चलिए गाइस, यहाँ पे साहिन सैयद कह रहे हैं चलेगा इस साहिन सैयद का जवाब आ रहा है, ठीक है विजय सोनी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही, और साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे विजय सोनी का आंसर नहीं आया है, और साथ साथ में साइलेंट आइज़ का बी, साहिन सैयद का सी,
और शारदा का आंसर सी आ रहा है। बिल्कुल सर दोस्तों, बिल्कुल सही। और गाइस प्रयास करिए, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड क्या रहा है, डबल स्टैंडर्ड क्या है। अनीता का आंसर ए, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, पॉक्स वायरस, बिल्कुल सही, पॉक्स ही वायरस, बिल्कुल सही, पॉक्स विजर्स वायरस इज द राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा, क्या रहा है, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे। कह रहा है अब्दुल कादिर बदायूनी और सांसद में नकीब खान, नकीब खान एंड थानेश्वर वर इन हुज कोर्ट। जवाब दीजिए कद आपका, अटेम्प्ट लीजिए, प्रयास करिए, कोशिश करिए और जवाब दीजिए कद आपका। अब विजय सोनी का आंसर सी आ रहा है, रूही का आंसर ए आ रहा है और साथ साथ में दोस्तों शारदा का आंसर सी आ रहा है, राघव मीना का सी आ रहा है और साइलेंट आइस का ए आ रहा है। और गाइस रूहिका का आंसर ये आ रहा है, साथ साथ में दोस्तों अमृता सोम का सी आ रहा है, साइन सैद का सी आ रहा है, राघव मीना का सी आ रहा है, सतीश गुप्ता का जवाब नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जवाब दीजिए, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही, ये किसके दरबार में थे, तो बिल्कुल सही, अकबर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, अकबर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रधानता भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक है। जवाब दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाइएस्ट प्रीमेसी इन द अर्थ क्रस्ट, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन और ऑक्सीजन, बताएं क्या। तो दोस्तों जवाब दीजिए कब आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रधानता भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक है। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा, बताएं, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, ऑक्सीजन, बताएं किस तत्व की प्रधानता भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। कितना है, 47% है, याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तत्व की प्रधानता सबसे ज़्यादा भू प्रॉपर्टी में है, तो ऑक्सीजन याद रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पूछा जाए, एटमॉस्फेयर में पूछा जाए कि गाइस सबसे ज़्यादा किसकी प्रधानता है, तो नाइट्रोजन याद रखिएगा। अप्रॉक्स 78% जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो साइलेंट आइस, राघव मीना, शारदा धवन और राघव मीना और सतीश गुप्ता, अमृता सोम, बेटा रूहिका, बेटा जितने बच्चे क्लास ले रहे हो, बेटा बहुत से अटैम्प्ट ले रहे हो, बहुत से अटैम्प्ट ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, हु कंपोज द बुक किताबुल हिंद, बताएं। किताबुल हिंद पूछा है, किताबुल हिंद, यू कैन से डेट दोस्तों, किताबुल हिंद पूछा है, किताबुल हिंद, हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, बलबन ने, अल बरूनी ने, आमिर खुसरो ने, इब्न बतूता ने। जवाब दीजिए क्या उत्तर होना चाहिए, किताबुल हिंद, ये बार बार पूछता है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, अगर किताबुल हिंद नामक पुस्तक की बात करें तो याद रखिएगा, किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना करने का श्रेय, रचना करने का श्रेय अल बरूनी को दिया जाता है। अल बरूनी ने इसकी रचना महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में गाइस किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना किया था, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना अल बरूनी ने महमूद गजनवी के टाइम में किया था, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बलबन की बात करें तो रक्त और लोह की नीति, याद रखिएगा, रक्त और लोह की नीति, अगर पेपर में पूछे रक्त और लोह की नीति, रक्त और लोह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो बलबन टिक कर दीजिएगा। खड़ी बोली के जन्मदाता पूछे, खड़ी बोली के जन्मदाता कौन थे, तो आमिर खुसरो टिक कर दीजिएगा। इन बतूता की बात करें तो रहला नामक पुस्तक, याद रखिएगा, रहला नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो याद रखिए दोस्तों इसका आंसर इब्न बतूता होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, एक वायरस एक प्रोटीन शेल के अंदर एक डीएनए और आरएनए जीनोम से बना होता है, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताएं। एक वायरस एक प्रोटीन शेल के अंदर एक डीएनए और एक आरएनए वायरस से बना होता है, क्या आंसर करिएगा, बताइए तेजी से गाइस। और बबीता श्रीवास्तव, हेमंत भाई, पंकज कुमार, बेटा सब लोग प्रयास करिए, एक वायरस एक प्रोटीन सेल के अंदर एक डीएनए और आरएनए, आरएनए जीनोम से बना होता है, कैप्सिड, होस्ट, एनवेलप यानी और जॉम्बीज, बताएं क्या होता है दोस्तों, जवाब दीजिए दोस्तों, अटैम्प्ट लीजिएगा, इसका उत्तर आपका, हर एक बच्चा जवाब दीजिए क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। माई डियर स्टूडेंट, सभी लोग प्रयास करिए दोस्तों, एक वायरस एक प्रोटीन सेल के अंदर किससे बना होता है, ये पूछा है आपसे। मेरे प्यारे बच्चों सब लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जवाब दीजिए गाइस, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। और देखिए यहाँ पर रूहिका का आंसर कैप्सिड, बिल्कुल सही, साहिन सैद का कैप्सिड, बिल्कुल सही, कैप्सिड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही,
कैप्सिट इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही. अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सुल्तानकालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच में या अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी थी. विच सुल्तान किंग प्रोहिबिटेड फेस्टिंग सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स अमंग हिज रिच पीपल विदाउट हिज परमिशन. जवाब दें, क्या उत्तर होना चाहिए आपके ऑडियो बताएं. किस सुल्तानकालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच में इसकी इजाजत के बिना दावतों त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दिया था. फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन में से क्या उत्तर होना चाहिए आपके ऑडियो बताएं. क्या आंसर करोगे जवाब दीजिए, प्रयास करिए दोस्तों किताब का. बिल्कुल सर दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही. इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी. बिल्कुल सही, अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही. यहाँ सतीश गुप्ता का सी, शारदा का आंसर ए गलत हो गया, मोनिका कुमारी का गलत हो गया. बेटा यहाँ पे क्वेश्चन 25वां पूछ रहा है कि दावतों और त्योहारों पर रोक लगा दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा, याद रखिएगा. यही अलाउद्दीन खिलजी को याद रखिए. एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता था, सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता था याद रखिएगा. तो सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहते थे याद रखिएगा, ठीक है. बलबन ने रक्त और लोह की नीति याद रखिएगा, रक्त और लोह की नीति का प्रतिपादन किया था किसने, इसी बलबन ने याद रखिएगा. मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो पांच योजनाओं के लिए जाना जाता है, पांच योजनाएं शुरू किया था किसने, इसी बलबन ने. फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इससे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि जौनपुर शहर का संस्थापक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था. ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो इसको तैयार करके जाना है. अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है, कृष्णदेवराय, राणा सांगा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं. बाबर हैज डिस्क्राइब्ड द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ इंडिया. जवाब दें, प्रयास करें दोस्तों किताब का. बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है, सबसे शक्तिशाली राजा पूछा दोस्तों, तो क्या आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में. तेजी से जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर आपका, तेजी के साथ जवाब दीजिए. बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है, क्या आंसर करेगा. साइलेंट का आंसर सी, मोनिका का आंसर कुमारी का सी, सतीश गुप्ता का सी आ रहा है. चलेगा बिल्कुल सही, उपरोक्त दबे, बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी, बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही. बहुत से गाइस, बहुत से आपने जवाब दे रहे हैं, बहुत से अच्छा प्रयास कर रहे हैं. हर एक बच्चा अच्छा प्रयास करे दोस्तों, जितने बच्चे हो सब बच्चे अच्छे प्रयास करो, सब लोग बच्चे अच्छा कोशिश कर रहे हैं. जितने स्टूडेंट हो सब लोग प्रयास अच्छा कर रहे हो दोस्तों. इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अतः इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, ठीक है. तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपके लिए कह रहा है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया गया था. कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे वॉज सेलिब्रेटेड इंडिया 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930, 26 नवंबर 1951. बताएं. रूबी शर्मा का डी, नेहा झा का बलबन और देवा ज्योति दास का नहीं पता. बेटा कोशिश करोगे तो आंसर आएगा. बेटा कॉन्स्टिट्यूशन डे वॉज सेलिब्रेटेड इंडिया, बिल्कुल सही, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी तारीख को संविधान लागू, संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, इस कारण से इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सर आपके पास हमारे मैसेज लेट पहुंच रहे हैं. नहीं हेमंत भाई, आपके क्वेश्चन, आपके आंसर भी मुझे सही दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. चले, क्या निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है. जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपका. कह रहा है वेयर इज रूमी दरवाजा ए फेमस मोनूमेंट्स अमंग द फॉलोइंग सिटीज. चार ऑप्शन है, लखनऊ, दिल्ली, आगरा और मथुरा. क्या उत्तर दोस्तों, जवाब दीजिए, क्या उत्तर आपका. क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है. लखनऊ में है, दिल्ली में है, आगरा में है, मथुरा में है. क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग, जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपका तेजी के साथ. निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, दिल्ली में, आगरा में, मथुरा में. क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग. दाएं, वेयर इज रूमी दरवाजा ए फेमस मोनूमेंट अमंग द फॉलोइंग सिटीज. बिल्कुल सर दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल सही, लखनऊ इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही. और ये रहा देखिए रूमी दरवाजा का चित्र, ये रहा आपका रूमी दरवाजा, ये रहा दोस्तों रूमी दरवाजा. कभी मौका मिले लखनऊ जाने का तो जरूर इस रूमी दरवाजे के दर्शन कीजिएगा. अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है. मादा जनन अंग की बात चल रही है. विच हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन ह्यूमन्स. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, ऑल ऑफ द
ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बताइए क्या तो आपका दोस्तों, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? जवाब दीजिए भाई, प्रयास सब लोग करिए दोस्तों, जितने बच्चे सब लोग प्रयास करिए दोस्तों। क्या उत्तर है आपका? जितने बच्चे हैं, फ्री माइंड, बबीता श्रीवास्तव, भूपेन, रूबी शर्मा, हेमंत बेटा, नेहा झा, रूबी शर्मा, हरिक बेटा, सब लोग जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका। सब लोग प्रयास करिए दोस्तों, जितने बच्चे हो सब लोग प्रयास करिए, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सारे बच्चे प्रयास करिए, बिल्कुल सही दोस्तों, रिलैक्सिन, बिल्कुल सही, रिलैक्सिन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, रिलैक्सिन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, रिलैक्सिन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे अमृता सोम का डी, पूर्णिमा गुप्ता का डी और आनंदी आनंदी प्रधान का डी। बेटा यहाँ पे देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से आपने सुना नहीं, ठीक है, यहाँ पे मादा जनन अंग से पूछा था, तो यहाँ पे रिलैक्सिन इज द राइट आंसर। ठीक है, मुकुल सिंह का वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे बेटा? अनादि प्रधान जी स्वागत है आपका। बेटा डी नहीं है, मादा जनन अंग से पूछा है, यहाँ पे मादा से नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थे? बाय वॉट नेम वॉज मेहरुनिसा पॉपुलराइज्ड? नूरजहां, मरियम जमानी, सलीमा, और साथ साथ में दोस्तों क्या है आपसे, इनमें से कोई नहीं बताएं। मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? नूरजहां, मरियम जमानी, सलीमा, इनमें से कोई नहीं बताएं। क्या उत्तर का दोस्तों बताइए, मेरे प्यारे बच्चे जवाब दीजिए। मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? नूरजहां के नाम से, मरियम जमानी के नाम से, सलीमा के नाम से, और इनमें से कोई नहीं बताएं। बाय वॉट नेम वॉज मेहरुनिसा पॉपुलराइज्ड? जवाब दीजिए, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही, नूरजहां के नाम से फेमस थे, और ये जहांगीर की पत्नी थी, याद रखिएगा, किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी, याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्लान के तहत किया गया था? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? अंडर विच प्लान वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म? क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रपोजल, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान की बात करें, 1947 में माउंटबेटन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन की बात करें, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। अगस्त प्रपोजल 1940 में आया था। और कैबिनेट क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, याद रखिएगा ये सारे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्लान के तहत, तो जवाब दीजिए क्या होता है आपका, अटेम्प्ट लीजिए, कोशिश करिए, जवाब दीजिए क्या होता है आपका तेजी के साथ। बिल्कुल दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान, बिल्कुल सही, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा दोस्तों, अकबरनामा किस भाषा में है? इन विच लैंग्वेज इज अकबरनामा? फारसी, चगताई, उर्दू और हिंदी, बताएं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो याद रखे दोस्तों, अकबरनामा की रचना अबुल फजल, याद रखिएगा, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना किया गया था। ये अकबर के नौ रत्नों में नाइन जेम्स में शामिल थे, याद रखिएगा, और इन्होंने ही अकबरनामा की रचना की थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अकबरनामा किस भाषा में थे? बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, पर्शियन लैंग्वेज इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हु कंट्रोल्स वॉलंटरली मूवमेंट्स इन ह्यूमंस? जवाब दें, क्या उत्तर दोस्तों बताइए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जवाब दीजिए क्या होता है आपका तेजी के साथ, सेरेब्रम के द्वारा, थायराइड के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं बताएं। क्या होता है दोस्तों बताइए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरेब्रम, थायराइड और सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं बताएं। बिल्कुल दोस्तों, अगर इसका आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही, सेरेब्रम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, सेरेब्रम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गाइस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, हम संडे से बिल्कुल नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, कह रहा, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ था? विच एम्पायर डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा? बता दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? विजयनगर, बहमनी, चालुक्य, चोल? जवाब दें, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ था? विच एम्पायर डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा? विजयनगर, बहमनी, चालुक्य और चोल? क्या होता दोस्तों, जवाब दीजिए क्या होता आपका, अटेम्प्ट दीजिए तेजी के साथ, क्या जवाब दीजिए दोस्तों, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ था? बताइए दोस्तों क्या उत्तर है आपका, बिल्कुल सही, तुंगभद्रा के तट पर, कह रहा बिल्कुल सही, तुंगभद्रा के तट पर, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही, विजयनगर साम्राज्य, बिल्कुल सही, विजयनगर साम्राज्य का निर्माण तुंगभद्रा नदी के तट पर हुआ था, याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके लिए, कह रहा है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? इन इंडिया
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम इज डराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? जवाब दें, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग बताएं, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? बताएं दोस्तों क्या उत्तर है आपका, तेजी के साथ जवाब दीजिए दोस्तों क्या उत्तर है आपका। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सटीक आना चाहिए, याद रखिएगा ठीक है। जवाब दीजिए, इन इंडिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम इज डराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है? क्या उत्तर होना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही, निर्वाचन की पद्धति पूछा है आपसे, तो माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर आयरलैंड याद रखिएगा। निर्वाचन की पद्धति अमेरिका से लिया गया, भारत में राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का प्रावधान, राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्करेंट लिस्ट याद रखिएगा, कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन लिया गया है याद रखिएगा, कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। साथ साथ में दोस्तों याद रखिएगा, कनाडा से अगर बात करें तो कनाडा के संविधान से याद रखिएगा, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है तो याद रखिएगा, कनाडा के संविधान से राज्यपाल, याद रखिएगा राज्यपाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया याद रखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा, क्या शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? वेयर इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कंट्रोल्ड? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी? जवाब दें, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी? जवाब दें, कहाँ पर शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है? जवाब दीजिए, क्या होता है दोस्तों? जवाब दीजिए दोस्तों क्या होता है आपका, तेजी के साथ क्या जवाब दीजिए दोस्तों, जवाब दीजिए दोस्तों क्या आपका, जवाब दीजिए सब लोग, जितने बच्चे सब लोग जवाब दीजिए, जितने बच्चे सब लोग जब प्रयास करिए, सब लोग प्रयास करिए, शरीर का तापक्रम कहां से नियंत्रित होता है? जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपको बताएं मेरे प्यारे, जवाब दीजिए बिल्कुल सही, हाइपोथैलेमस याद रखिए, बिल्कुल सही हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, यानी शरीर का जो तापक्रम होता है याद रखिएगा ये हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, हाइपोथैलेमस से होता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स फॉर कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन? जवाब दें, किस आर्टिकल में बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? विकास सा, आनंदी बेटा, सतीश गुप्ता, प्रसोनजीत, मुकुल सिंह और साथ साथ में बेटा सतीश गुप्ता? बेटा सब लोग प्रयास करिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो बिल्कुल सर दोस्तों आर्टिकल 21A याद रखिए, बिल्कुल सर आर्टिकल 21A इज द राइट आंसर, इसे 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है याद रखिएगा ठीक है। चलिए गाइस तो आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? व्हाट डज द सेल ऑफन यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल और सुक्रोज? बताइए भाई क्या तो आपका, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का, सुक्रोज का? क्या होता है दोस्तों बताइए। बिल्कुल दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका की बात करें तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही ग्लूकोज का यूज करती है, बिल्कुल सही ग्लूकोज का प्रयोग करती है। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? जवाब दीजिए, जरा क्या जवाब दीजिए दोस्तों क्या आपका, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल सर दोस्तों बिल्कुल सही साइटोप्लाज्म इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही साइटोप्लाज्म इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अब माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, अगर आप यहां पर FSSAI में, अगर गाइस आप पर्सनल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट आपका पेड बैच जो है याद रखिएगा, ये पेड बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से, आपका पेड बैच स्टार्ट हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट अगर आज आप पेड बैच परचेस करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट आपके फीस में आज 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट को लेने के लिए दोस्तों आपको कोड यूज करना होगा, आप कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों Y24 याद रखिएगा, Y24 यानी आप Y24 कोड लगाइए और कोड लाइन गाइस आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट के पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट के पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इसका भी बैच 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों और इसकी फीस पर आज के लिए 80% का डिस्काउंट चल रहा है। ये डिस्काउंट कितना चल रहा है दोस्तों, तो 80% का डिस्काउंट चल रहा है
और आपको लिए इसके लिए भी कोड यूज करना है दोस्तों, Y24 याद रखिएगा, Y24 कोड लगे गाइस, आप इस पर 80% का डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आप यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट 1 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, इसकी फीस में आज के लिए 80% का डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों, और इस पर भी कोड लगा दीजिए दोस्तों Y24 याद रखिएगा, Y24 यानी Y24 आप कोड लगाएं और इस कोड का यूज़ करके दोस्तों आप यहाँ पर 80% का डिस्काउंट ले सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो 1 नवंबर से इसका भी बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और इसकी फीस पर गाइस याद रखिएगा, इसकी फीस पर आज के लिए 80% का डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है दोस्तों, कितना परसेंट, तो 80%, और इसके लिए भी कोड यूज करिएगा दोस्तों Y24 याद रखिएगा Y24। आप आज के दिन अगर बैच परचेज करते हैं तो 80% का डिस्काउंट और कोड यूज रखिएगा Y24 यूज करके आप ये बैच ले सकते हैं याद रखिएगा। माय डियर स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों ग्रेड फर्स्ट के लिए, याद रखिएगा ग्रेड फर्स्ट के लिए, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेड फर्स्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट का, तो इसका भी बैच 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 1 नवंबर से, और इसकी फीस पर दोस्तों याद रखिएगा 80% का डिस्काउंट चल रहा है, और इसके लिए भी आपको कोड यूज करना है दोस्तों Y24 याद रखिएगा Y24 यानी Y24 कोड लगेगा इस Y24 कोड लगेगा इस, आप यहां पर 80% का डिस्काउंट ले सकते हैं, और कोड आपको पता ही है दोस्तों कि आपको Y24 कोड लगाना है और कोड लगेगा इस, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना काफी है, बाकी अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कब, तो माय डियर स्टूडेंट अब मंडे मुलाकात होगी, मंडे सीधे मुलाकात होगी दोस्तों अब आपके साथ नए और फ्रेश टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।